गर्मी की वजह से एक घड़ा बनता है, घड़ा के लिए जो है ठंडा पानी होता है, पीने में भी फायदा होता है, और धूप से जो आइए तुरंत पीजिए, उससे नुकसान नहीं करेगा, फ्रिज के पानी से नुकसान करता है, इसीलिए हम लोग का डिमांड बढ़ता है गर्मी में। तो ये क्या 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 बनाया है आपने, क्या क्या बनाया है, झज्जर है? इसमें झज्जर छोटा बड़ा बनता है, लस्सी वाला कुल्हड़ बनता है, चाय वाला भी तो बनता किस है। तरह से इसकी डिमांड बढ़ रही है, गर्मी किस तरह से अप्रैल में? डिमांड जैसे मौसम होता है, अभी गर्मी का है, घड़ा बनता है, बरसात में जो है कुल्हड़ का होता है, लस्सी का कुल्हड़ ज़्यादा बिकता है। तो गर्मी के बढ़ने से किस तरह से इसकी डिमांड बढ़ी है और क्या फायदा आप लोगों को? फायदा तो कुछ नहीं है, जितना मेहनत करिए उतना फायदा है, और मिट्टी भी नहीं मिलती, को कंडी नहीं मिलती, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाती है, माल उतना बन नहीं पाता, डिमांड ज़्यादा है। संतोष नाम बताइए अपना। कुमार प्रजापति। जी देखिए, प्रयागराज में गर्मी बहुत बढ़ गई है, तापमान 40 से 45 डिग्री तक हो गया है। तो गर्मी से बचने के लिए हम लोग घड़े का इस्तेमाल करते हैं, घड़े में एंटीबायोटिक होता है, तो इसीलिए हम उसे पानी पी लें तो उसमें थोड़ा ठंडा महसूस करते हैं। क्योंकि देखिए, मिट्टी घड़े से जो होते हैं तो हम लोग ने पढ़ा ही है वो सब, कि इसमें छोटे छोटे पार्टिकल के छेद होते हैं जिससे पानी को ठंडा करता है, इसीलिए हम लोग मटके का पानी यूज़ करते हैं। और आज ये है कि हम लोग गर्मी से बचा रखा है इसमें। किस तरह से इसकी डिमांड बढ़ रही है और आप लोग? डिमांड से देखिए, गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, और जैसे यहाँ तो देखिए कि प्रयागराज में जैसे इक्वेटर पास होता है तो गर्मी बहुत लगती है, इसीलिए हम लोग इसको मटके यूज़ कर, मटके का बहुत डिमांड है। क्योंकि आप ऐसे बाहर पानी रख दीजिए तो पानी इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि आप पियेंगे तो लगेगा जैसे उबला हुआ पानी है, इसीलिए मटके का अपना यूज़। परिचय दीजिए। जी मेरा नाम रितेश यादव है, बस मैं लखनऊ से हूँ।